करीब 900 उद्योगपति शिरकत करेंगे। उद्योगपति मुकेश अंबानी इस मीट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। मैग्निफिसेंट एमपी को लेकर मुख्य सचिव सुधीर रंजन मोहंती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आयोजन के संबंध में जानकारी दी। मुख्य सचिव ने बताया कि मीट के लिए 1500 लोगों को इनवाइट किया गया है, जिनमें से 900 उद्योगपति इस इन्वेस्टर मीट में आ रहे हैं। ऐसे माहौल में जहां पर उम्मीद कम थी, व्यवसाय घरानों से जुड़े लोगों का 900 की तादाद में आना हमारे लिए खुशी की बात है। सीएसई ने बताया कि हम लोगों ने यहां भीड़ को नहीं बुलाया है। जो वास्तविकता में मध्य प्रदेश में निवेश करने की इच्छा रखते हैं, उन्हीं को बुलाया है। एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें हमने कृषि कमांड अवार्ड 5 बार जीता है। बड़े औद्योगिक घराने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश करने जा रहे हैं। इससे हमारे किसानों को फायदा होगा। इस मामले में बड़ी तादाद से रोजगार भी आता है। सीएसई मोहंती ने बताया कि टूरिज्म सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। टूरिज्म सेक्टर में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, ग्वालियर और छह ऐसे कई शहर हैं जहां टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। 6 महीने की शूटिंग भोपाल के आसपास कर रही, परंतु ऐसे व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म नहीं था। अगर उनको पुलिस की मदद चाहिए थी तो किसी से पूछते थे कि क्या आप एसएसपी साहब को जानते हैं, अगर उनको कोई चीज करना था तो वो कोई किसी आदमी को ढूंढते थे जो कहते थे कि क्या आप कलेक्टर साहब को जानते हैं या इनको जानते हैं या उन। तो एक संस्थागत व्यवस्था नहीं था जहां पर ये लोग आए और अपना काम को अंजाम दें। उसके लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट में एक सेल क्रिएट किया गया है और उसके मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से उसकी मॉनिटरिंग होगी, ताकि आम आदमियों का एंटरटेनमेंट ग्रामीण क्षेत्र से लेके बड़े शहर तक, उसके लिए मध्य प्रदेश में एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो, ये इसके लिए व्यवस्था किया गया है। हमारे रूफटॉप सोलर पॉलिसीज, हमारे लैंड पूलिंग पॉलिसीज, इन सब के बारे में भी हवाला दिया गया है। जो आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स दिया जाएगा वो आपको उपलब्ध किया जाएगा। हमारे कुछ साथियों ने हमें यह सवाल पूछा था कि पिछले बार जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उसका कन्वर्जन रेट कितना था, कितना